नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजार का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजार का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाज़ार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाज़ार कैसा खुलता हुआ नज़र आया है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। जानेंगे कि आगे जाके किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले कम्युनिटी बाज़ार के अपडेट में शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोना इस वक्त $1751 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। सिल्वर $22 पर है। नज़र डालें अगर घरेलू वादे की तरफ तो MCX सिल्वर 60734 पर है और MCX गोल्ड 46022 पर। देख रहे हैं कि आज गोल्ड सिल्वर की जो कीमतें हैं, सोने चांदी की जो कीमतें हैं, वो एक निचले स्तर पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल जब से फेडरल रिज़र्व बैंक की जो बैठक हुई है उसमें यह डेटा निकल के सामने आया है कि जो फेडरल रिज़र्व बैंक है अभी कुछ ही समय में एक बार फिर से ब्याज दरों के ऊपर कोई ना कोई फैसला ले सकता है, जिसकी वजह से सोने चांदी में जो निवेश है निवेशकों का वो थोड़ा घटता हुआ नज़र आया है और डॉलर में तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। और शेयर बाज़ार में भी देख रहे हैं कि कुछ दिन से तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सोने चांदी की जो पूछ पराख है वो आजकल थोड़ी कम देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ से अगर क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल देख रहे हैं कि WTI इस वक्त $73 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $77 पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज जो कच्चा तेल है वो एक अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल कच्चे तेल की जो डिमांड है वो थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आई है पहले के मुकाबले, और दूसरा अमेरिका में जो कच्चे तेल की जो इन्वेंट्रीज़ हैं उनमें कमी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें आज एक शानदार बढ़त के साथ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कारोबार दर्ज किया जा रहा है। बात करें कॉपर की तो कॉपर आज कुछ उठता हुआ नज़र आ रहा है, $4.2 पर है। दरअसल जो चीन एक जो बहुत बड़ी कंपनी थी इवन ग्रैंट है, उसके डिफॉल्टर होने की जो पहले खबरें निकल के सामने आई थी कि वो डिफॉल्टर हो सकती है, जिसकी वजह से मेटल्स की जो कीमतें हैं उन पर दबाव देखने को मिला था। अब देख रहे हैं कि अब उसके जो डिफ़ॉल्टर होने की जो संभावना है वो कुछ कम होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से बेस मेटल्स के बाज़ार में एक थोड़ी बहुत हल्की सी खरीदारी लौटी है। हालांकि घरेलू वायदा में अभी भी हम देख रहे हैं कि नरमी के साथ कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज किस नॉन एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे ग्राम से भी पर। शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं कि आज भी गोल्ड सिल्वर एक सीमित दायरे में निचले स्तर पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको क्या लगता है सोना चांदी में अब क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा और आगे क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, सोने और चांदी के अंदर अभी भी फिलहाल एक रेंज ही है, तो अभी लेवल की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा अभी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। 45,000 से लेकर जैसा कि हम प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं कि 46,500 तक एक बार बाजार जो है वो घूमता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इसके अंदर बाइंग का ही स्ट्रेटेजी होना चाहिए, निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति लेकर चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत प्रेशर अगर बनता है तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म में आप बाइंग करके चल सकते हैं। और अभी लग रहा है कि नीचे में 46,000 का लेवल अगर टूटता है तो नीचे में 45,800 तक एक बार सोना लुढ़कता हुआ नीचे तक लुढ़क सकता है। और सोने में गिरावट दरअसल इस वजह से भी देखने को मिल रही है कि फेड से उम्मीद पहले दर ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दिए थे और अब जो है एक बार फिर से उम्मीद ये है कि हो सकता है कि कोई नया फैसला निकल कर आए, लेकिन फिलहाल के लिए सोना एक रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 4 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच चुका है और फेड ने भी आगे संकेत दिए हैं कि नवंबर में बॉन्ड खरीद में कमी आ सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फिलहाल सोना दबाव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, आज इंट्राडे में 45,800 तक गिर सकता है। ओवरऑल रेंज की बात करें तो 45,000 से लेकर 48,000 मैक्सिमम ये 3,000 पॉइंट की रेंज है जो फिलहाल घूमती हुई नजर आ सकती है। नीचे अगर यहाँ से लुढ़कता है तो 45,000 तक लुढ़क सकता है और यहाँ से अगर बाउंस आया तो वो इसको 48,000 तक ले जा सकता है। तो इंट्राडे में 45,800 के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए नीचे में डिप मिलती है जब 45,000 के आसपास आए मार्केट, तो वहां पर आपको बाइंग की रणनीति लेकर चलना चाहिए। रूपा जी, यहीं से बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं आज एक अच्छी खासी खरीदारी निकल के सामने आ रही है, तेजी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है क्या कच्चा तेल यहाँ से $80 पर भी जाता हुआ नजर आ पाएगा ब्रेंट क्रूड ऑयल, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि इस वक्त $77 पर है?
देखिए दरअसल कच्चा तेल जो है अब सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएस में इन्वेंट्री गिरी है जिससे कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिला है। अमेरिका में लगातार 8वें हफ्ते इन्वेंट्री में गिरावट देखने को मिली है। उधर गल्फ से तेल सप्लाई अनुमान से काफी कम होती दिखाई दे रही है, लगभग 16.5% के आसपास क्रूड की सप्लाई इम्पैक्ट हुई है। तो ये फैक्टर्स हैं जो क्रूड को अब सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट्स में डिमांड भी पहले से काफी सुधरी है, तो इनकी वजह से कच्चे तेल को अब सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते लगता है कि कच्चा तेल फिलहाल तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी कच्चे तेल में बाइंग की ही रणनीति होनी चाहिए, और कच्चा तेल जो है मुझे लगता है कि $75 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आने पर कच्चा तेल हो सकता है आपको $78 से $80 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे, और फिलहाल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करके चला जा सकता है। रूपा जी से बात करें बेस मेडल्स की, तो बेस मेडल्स में आपको क्या लगता है, बेस मेडल्स में आज क्या स्ट्रेटजी अपनाकर चलना सही रहेगा, और नेक्स्ट वीक क्या लेवल्स एक्सपेक्टेड है? देखिए बेस मेटल में वापस से जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। चीन में जो संकट गहरा रहा था उसके वो काफी हद तक अब जो है उसकी जो खबरें आ रही थी वो कह सकते हैं कि उससे ईज ऑफ मिलता हुआ दिखाई दिया है। और जो अभी एवर ग्रैंड ब्याज का भुगतान कहा जा रहा है कि ये कंपनी समय पर कर देगी, तो जो जिसकी वजह से ये सारा जो हमने बेस मेटल्स में गिरावट देखी थी वो मेन जो इम्पैक्ट था वो इसी कंपनी की वजह से आता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्जा था और उसमें इसके इंस्टॉलमेंट होने की खबरें निकल कर आ रही थी, जिसके चलते चीन के अंदर बेस मेटल की डिमांड जो है वो इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दी और उसकी कीमतों पर दबाव आया। लेकिन अब वापस से खबरें निकल कर आ रही हैं कि साहब सब कुछ ठीक हो सकता है, और चीन का जो सिस्टम है वो भी अभी फिलहाल जो है वो ओके होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वापस से बेस मेटल्स की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। पहले हमने कॉपर में जो गिरावट आती हुई देखी थी अब वो वापस से संभली है। कल के कारोबार में हमने लगभग 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखी, और एल्यूमिनियम भी जो गिर चुका था उसमें भी अब सुधार आया है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो तेज़ी का है, वहीं कॉपर में सप्लाई भी घटी है। तो ये फैक्टर सारे पॉजिटिव हैं, सिर्फ उस कंपनी की जो खबरें निकल कर आ रही थी उसका इंपैक्ट पड़ा था, उसकी वजह से बेस मेटल्स में गिरावट आई थी, और यहाँ से अब बेस मेटल वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वापसी से तेजी है, कॉपर 700 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से वापसी से बाउंस आया है, जिसको अब माना जा रहा है कि 740 से 742 तक ऊपर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कॉपर के अंदर खरीदारी की जा सकती है, जिंक में भी खरीदारी की जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी टारगेट दिया था 260 का, वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो निकल भी आप वापस से हो सकता है कि आपको आज थोड़ी सी गिरावट दिखाई 1460 तक, और ऊपर में एक बार फिर से 1500 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि इन सभी कमोडिटीज के अंदर फिलहाल खरीदारी करके चला जा सकता है, और बेस मेटल्स आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, जाना चाहेंगे कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? आज देखिए इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है कि क्रूड में बाइंग करना चाहिए, क्रूड के अंदर आप तेजी कर सकते हैं, थोड़ा डिप मिले तो वहां पर आप क्रूड को बाय करके चल सकते हैं। 5400 के आसपास या 5380 की रेंज मिलती है तो वहां पर बाइंग कीजिए, और ऊपर में 5460 तक क्रूड जा सकता है। वहीं निकल के साथ साथ आप कॉपर पर आज नज़र रख सकते हैं, कॉपर में मुझे लगता है कि तेजी बन सकती है, कॉपर को बाय कीजिए, 700 का स्टॉप लॉस लगाएं, जितना भी नीचे मिले उसके आसपास आप बाय कर सकते हैं, और ऊपर में आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वापसी से कॉपर 740 तक के स्तर दिखा सकता है। तो कॉपर और क्रूड ये दो कमोडिटी ऐसी हो सकती है जिसपे आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, तो फिलहाल सिलसिला बाजार का हमें इतना ही, नमस्कार।